तो रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था कि मैं आपके फोटो एडिट करके दूंगा, इसके लिए मैंने अपना मेल आईडी दिया था। तो कई दोस्तों ने और इंस्टाग्राम के फ्रेंड है तो उन्होंने उनके हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो एंड रो फॉर्मेट में मेरे को डॉक्यूमेंट किया है। तो मैं आपको जस्ट लाइटरूम की मदद से आपको कलर ग्रेडिंग करके इन सारे फ़ोटो का एडिट करके दिखाने वाला हूँ। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। जो भी हमको फोटोस लाइटरूम में एडिट करने हैं उनको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारे आज के फोटो जो मैं आज एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो करीब यहाँ से 10 से 12 फोटो होंगे। तो सबसे पहले हम ये पहले वाले फ़ोटो को एडिट करके दिखाते हैं, थोड़ा लैंडस्केप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक्सपोजर एकदम डाउन है, तो हम सबसे पहले इसका जाएंगे हम यहाँ से एक्सपोजर में और इसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे। ओवरऑल फोटो पे देखेंगे कि हमको देखना है कि बराबर से एक्सपोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फोटो अंडर एक्सपोज है या ओवर एक्सपोज है वो यहाँ से आप डबल क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोटो यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो ठीक है। उसके बाद हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एड करेंगे इसमें। इसके बाद हाईलाइट को जितना हो सके उतना माइनस कर देना है, ताकि क्या है जो हमारा ओवर एक्सपोज एरिया है वो हमको माइनस दिख सके। इसके बाद शेडो को हल्का बढ़ाएंगे, वाइट एंड ब्लैक ठीक है। इसके बाद चलेंगे कर्व टूल में, और यहाँ पे कर्व टूल में जाके यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे पहले। एक जो नीचे का पोर्शन है वो रहेगा हमारा ब्लैक, उसके ऊपर आएगा शेडो, उसके ऊपर आएगा मिड टोन, और उसके ऊपर आएगा हाईलाइट, और उसके ऊपर का जो पार्ट है उनको हम वाइट कहते हैं। हमको हमारे कर्व का पैटर्न एस आकार का रखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्लैक को माइनस करेंगे और वाइट को भी। उसके बाद ये मिड टोन ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा कम करेंगे, और हाईलाइट को थोड़ा यहाँ पे रखेंगे, और वाइट ज़्यादा नीचे हो गया है। ठीक है, यहाँ से हाँ अब सही है। यहाँ पे नॉर्मल बिफोर आफ्टर चेक कर लें तो यहाँ पे ये बिफोर है हमारा और ये आफ्टर है। इसके बाद चलेंगे थोड़ा कलर यहाँ से जितना हो सके उतना सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हल्का, तो गाइस इसमें मेरे को है ना टील एंड ऑरेंज वाली फील आ रही है, तो इसमें मैं जो कलर कॉम्बिनेशन ऐड करने वाला हूँ वो टील एंड ऑरेंज रहेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ब्लू ऐड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल फोटो पे हमको ब्लू कलर नहीं चाहिए। इसके लिए हम यहाँ से इसका पार्ट में डिवीजन कर देंगे, यहाँ से थोड़ा ऊपर खींचेंगे और यहाँ से थोड़ा हल्का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हो हमारा थोड़ा थोड़ा ब्लू फेड ऐड हो रहा है। इसके बाद थोड़ा यहाँ से यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ से कर देंगे इसको डन। इसके बाद हम आएंगे अपने कलर ग्रेडिएशन में, टेम्परेचर सही है, थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा कलर होगा उसको कम कर देते हैं। उसके बाद चलेंगे कलर व्हील में, और यहाँ से हमको रेड कलर ठीक है, हमको टील एंड ऑरेंज वाली फील लानी है। इसके लिए यहाँ से पहले तो इसके चेहरे का थोड़ा एक्सपोजर कर देंगे यहाँ से, और कर्व टूल में हम इसके ज़्यादा हो गया है ये ब्लू कलर, तो इसको हमको कम करना होगा। तो यहाँ से फिर से चलेंगे रेड में, और यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ से डाउन हाईलाइट में ठीक है, हाईलाइट में ब्लू कलर रखते हैं। बिफोर आफ्टर चेक कीजिए ठीक है, यहाँ से करेंगे डन और फिर से चलेंगे अपने कलर व्हील में। यहाँ से आके थोड़ा यहाँ पे चेहरे का एक्सपोजर बढ़ा देना है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसका चेहरा ओवर, इसका फेस ओवर अंडर एक्सपोज है, तो यहाँ पे हम एक मास्क ऐड करेंगे। यहाँ से एक मास्क ऐड करते हैं, इसमें जाके रेडिकल ग्रेडियंट ऐड करते हैं, और इस पर फेस पे हो सके उतना हम यहाँ पे रखेंगे, और चेक कर लेना है कि हमारा फेदर कितने पे है। फेदर रहना है अराउंड ठीक है 96 रख लेते हैं। इसके बाद चलेंगे लाइट में, और यहाँ से थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो थोड़ा हमारा फेस थोड़ा एक्सपोज हो जाएगा ठीक है। उसके बाद में अभी हमको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, इसमें चलेंगे और हल्का एक्सपोज कम करेंगे यहाँ से। ठीक है, इतना डन है। इसके बाद में हम चलेंगे फिर से हमारे वही यहाँ से डन कर देते हैं, फिर से कलर में चलते हैं, और यहाँ से कलर में जाके अभी पीछे पोर्शन है इसको पूरा टील कर देंगे,
और इसका सेचुरेशन पूरा बढ़ा देना है। इसके बाद ये ग्रीन कलर है, इसको थोड़ा यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद में इधर ही रखेंगे। उसके बाद ब्लू कलर है, उसको थोड़ा हल्का सा एकदम कम करना है, पूरा नहीं कर देना है। उसके बाद ब्लू कलर है, इसको थोड़ा हल्का पीछे करेंगे और इस कलर को छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद चलेंगे हमारा यहाँ पे और थोड़ा डिहेस एड कर देंगे ताकि फ़ोटो में थोड़ा डार्कनेस आ सके। बिफोर आफ्टर चेक कर सकते हो गाइस। इसके बाद थोड़ा क्लैरिटी ऐड करना है और डिटेलिंग में जाके थोड़ा सा शार्पनेस ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस ब्लू थोड़ा और हो रहा है, तो फिर से हम चलेंगे हमारे कर्व टूल में और कर्व टूल में जाके फिर से हमको थोड़ा ब्लू कम कर देना है। यहाँ पे लाइट में आएंगे, कर्व में आएंगे और फिर से हमारे रेड में आएंगे, थोड़ा ऊपर खींचेंगे इसको। ओके, यहाँ पे फाइनल करेंगे, इसके बाद करेंगे यहाँ से डन। उसके बाद में अभी थोड़ा वाइब्रेंस को बढ़ाना होगा क्योंकि फ़ोटो में कलर बराबर से आ नहीं रहा। यहाँ पे हम रखेंगे। इसके बाद में अभी इसमें और क्या थोड़ा विग्नेट ऐड करके देखते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा डिएंट में जाके कलर ग्रेडिंग करते हैं थोड़ा सा। तो शेडो में कौन सा कलर है यहाँ पे चेक करेंगे। तो शेडो में अपना कलर है जो कि है, हमको ऐड करना है वो टील करेंगे। तो हल्का सा यहाँ पे टील साइड खींचेंगे। यहाँ से थोड़ा इसका ल्यूमिनस कम करेंगे और ब्लेंडिंग मोड थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो गाइस चेक कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा हल्का सा टोन आ रहा है हमारा टील एंड ऑरेंज वाला। इसके बाद थोड़ा बैलेंस बढ़ाएंगे ताकि हमारे ओवरऑल फ़ोटो के हिसाब से कलर बैलेंस कर ले। इसके बाद में जाना है हमको मिड टोन में। अभी मिड टोन में हमको ऐड करेंगे, मिड टोन में कोई कलर ऐड नहीं करना और उसके बाद हाईलाइट में हमको ब्लू कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ से गाइस थोड़ा इसका ल्यूमिनस बढ़ाएंगे। तो गाइस इसके बाद में हमने हाईलाइट में भी थोड़ा सा ब्लू ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ से ग्लेन करते हैं और फाइनली हमारा थोड़ा हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो गया। इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या ज़्यादा हो गया है। ओके यहाँ पे रहेंगे। तो गाइस हमारा फ़ोटो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो फोटो निकल कर आता है वो ये है हमारा। इसमें अभी पीछे ग्रीन कलर है और इसमें थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ब्लू कलर भी थोड़ा थोड़ा ऐड है। तो इसमें हम टोन ऐड करने वाले हैं जो कि येलो स्टोन होने वाली है। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें मैक्सिमम हो सके उतना येलो कलर डालने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका लाइट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो एक्सपोजर तो ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा हल्का सा ऐड करेंगे वरना ओवर एक्सपोज हो जाएगा। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एंड हाईलाइट है उसको कम कर देना है। हल्का सा शेडो बढ़ाएंगे और वाइट्स को करेंगे थोड़ा कम। इसके बाद चलेंगे कलर वाले टूल में, थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे ताकि इसमें वो येलो वाली टोन आ सके। इसके बाद वाइब्रेंस को थोड़ा सा कम कर देना है जिससे हमारा अर्बन लुक फोटो में आ सके। उसके बाद चलेंगे कलर मिक्सर में एंड इसके बाद सब्जेक्ट का थोड़ा वाइटनेस ऐड करेंगे, ल्यूमिनेस में जाके थोड़ा ऐड करेंगे। इसके बाद में ये जो कलर है ये हमारा बैकग्राउंड का पूरा कलर इसमें आ जाता है। तो इसको हमको पूरा चेंज कर देना है, यहाँ पे रहेंगे और इसका जो सेचुरेशन है वो थोड़ा कम कर देना है। इस साइड में हमको ग्रीन कलर में आता है और उसका पूरा व्यू इस साइड में चेंज कर देना है। उसका सेचुरेशन हल्का बढ़ाना है और ल्यूमिनेंस को थोड़ा कम कर देना है जिससे कि हमारी फ़ोटो में थोड़ा डार्क टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे चेक करना कि हम ल्यूमिनेंस को बढ़ाएंगे अगर तो पीछे का पार्ट है जो वो लाइट हो रहा है और यहाँ पे कम करेंगे तो थोड़ा डार्क पोर्शन आ रहा है। तो इसमें हमको डार्क पोर्शन ही सबसे अच्छा लगता है। इसमें हम देख सकते हैं कि अभी ठीक है, अभी ये जो पेंट का कलर है इसको हम थोड़ा सा सेचुरेशन कम करेंगे ताकि क्या है वो अर्बन वाली लुक आ सके। इसके बाद हम चलेंगे हमारे हीलिंग टूल में और सब्जेक्ट के ऊपर जो भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो फोटो पे हमको जितना लाइट रूम की मदद से आप क्लीनअप कर सकते थे उतना क्लीनअप हमने कर दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में विग्नेट ऐड करेंगे ताकि फ़ोटो हमारी एस्थेटिक लग सके। तो यहाँ पे विग्नेट ऐड कर देते हैं और एक मास्किंग क्रिएट करेंगे जैसी ऊपर से लाइट आ रही हो, रेडियो का ग्रेडियंट लेना है। तो यहाँ पे हम इसको ओके यहाँ पे रखेंगे और इसका टेम्परेचर पूरा बढ़ा देना है और उसके बाद में इसमें बेज ऐड करना है जो कि हमारा माइनस में आ जाएगा ताकि एक ग्लो ऐड हो सके जैसे कि ऊपर से लाइट आ रही हो। इसके बाद में इसका कलर हम चेक करेंगे, कलर में जाके इसका सेचुरेशन बढ़ा देना है और हमको जो कलर चाहिए इसमें ह्यू चेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे। इसके बाद में एक्सपोजर थोड़ा हल्का बढ़ाएंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा लाइट ऐड हो चुका है। तो आप कोने में देख सकते हैं कि उधर से सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लाइट आ रही हो, ऐसा हमको ग्लो देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम इसको डन करेंगे और थोड़ा सा इसमें शार्पनेस ऐड करेंगे ताकि फ़ोटो हमारी शार्प हो सके। तो यहाँ से हल्का सा एकदम शार्पनेस ऐड करेंगे। ओके गाइस, तो हमारी फाइनल फ़ोटो रेडी है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। हमने इसमें एस्थेटिक वाली येलो टोन डाली है। तो गाइस इस फोटो को भी कर देते हैं एक्सपोर्ट और चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोटो पे। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट फोटो ओपन हो चुका है। इसमें हमारा सब्जेक्ट एक ट्री की साइड में खड़ा है। तो इसमें भी हम पिछली फोटो में जो टोन डाला है वो सेम थोड़ा बहुत चेंजेस करके वही टोन डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे लाइट वाले पार्ट में और इसका पहले तो शेडो में बहुत डार्कनेस है तो शेडो हल्का सा बढ़ाएंगे ताकि हमारा पार्ट थोड़ा ब्राइट हो सके। उसके बाद इसमें हल्का सा एक्सपोजर थोड़ा सा ऐड करेंगे और कॉन्ट्रास्ट डालेंगे एंड वाइट्स को करेंगे माइनस एंड हाईलाइट को भी माइनस कर देते हैं। इसके बाद फोटो का थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके बाद वाइब्रेंस एंड देन चलेंगे हमारे कलर मिक्सर में। तो कलर मिक्सर में हमारे सब्जेक्ट की स्किन पहले थोड़ा हल्का सा कलर है उसको हम वाइट करेंगे और इसका सेचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे साइड वाले कलर में और इसका हल्का सा सेचुरेशन माइनस करेंगे और इसका जो ह्यू है वो इस साइड चेंज करेंगे और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा डार्क करना है ताकि फ़ोटो में एक डार्कनेस आ सके। इसके बाद में चलता है ग्रीन कलर में और इसका जो ह्यू है वो करना है हमको ओके, पीछे जो बैकग्राउंड में कलर है वो इस साइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है वैसे, क्योंकि पूरा रेड रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम आएंगे और इसका ह्यू करेंगे इस साइड, क्योंकि पीछे अगर वो रेड हो जाता है पीछे वाला बैकग्राउंड तो वो एक नेचुरल वाला लुक नहीं देता है। तो इसके बाद में हम ठीक है पीछे वाले में हम इसका थोड़ा हाँ गाइस, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे सही लग रहा है इसका कलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट और पीछे वाला बैकग्राउंड दोनों मैच कर रहा है। लेकिन हमारा जो ये पेड़ वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा डार्क पोर्शन देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से कलर में फिर से आएंगे वो मास्क लगा के। तो मास्किंग में जाके हमको लाइनर ग्रेडियंट एक क्रिएट करना है और ऐसे पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। आपको यहाँ से फेदर थोड़ा बढ़ा देना है एंड देन यहाँ पे रखेंगे, इसका एक्सपोजर थोड़ा डाउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है एकदम हल्का सा करना है। ओके यहाँ पे ठीक है एंड देन इसमें कलर में जाएंगे और टेम्परेचर में सेचुरेशन तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे एंड जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ाएंगे ताकि यहाँ से येलो वाली लुक आ सके। टिंट में जाके टिंट को रखेंगे यहाँ पे और सेचुरेशन को थोड़ा, तो इसमें हमको डार्कनेस ऐड करनी है इसके लिए हाईलाइट को भी माइनस करेंगे और इसके बाद में वाइट पार्ट है उसको भी करेंगे माइनस। तो अभी हमारा देखते हैं कि आफ्टर और बिफोर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अभी लुक आ रहा है वो येलो वाला। हाँ, इसके बाद में हमको अभी चेक करना है सब्जेक्ट पे पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मास्किंग को डन कर लेते हैं, चलेंगे फिर से हमारे कलर वाले टूल में। ओके, ब्लू कलर तो थोड़ा सा यहाँ पे सेचुरेशन बढ़ाएंगे एंड इसको कम कर देंगे और इनका इन दोनों कलर का भी काम नहीं है तो इसके लिए इनको भी कम कर देते हैं।
अभी फिर से चलेंगे कलर मिक्सर में, और यहाँ पे ये कलर है, इस पर थोड़ा यहाँ पे। ओके गाइस, तो मैं फाइनल इस फोटो को ये वाला लुक देने वाला हूँ, जो कि एक डार्क येलो स्टोन जैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम इसको डन करेंगे और फिर से चलेंगे हमारे यहाँ पे, और इसमें हल्का सा एकदम विग्नेट ऐड करेंगे ताकि फ़ोटो थोड़ी एस्थेटिक हो सके। अभी हमारा मॉडल का जो थोड़ा फ़ोटो है वो डाउन साइड है, इसके लिए हमको थोड़ा ऊपर से विग्नेटे के लिए हमको विग्नेटे ऐड करेंगे हल्का सा, लेकिन एक मास्किंग लगाना होगा ताकि ऊपर का जो पार्ट है वो डार्क ना हो सके। तो यहाँ से हम लाइनर ग्रेडियंट लगाएंगे और यहाँ से एकदम हल्का सा थोड़ा यहाँ पर यहाँ का लाइट बढ़ाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डन। गाइस, इसमें थोड़ा अभी शार्पनेस ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से फ़ोटो को थोड़ा शार्प कर देते हैं। तो गाइस, फ़ोटो आप चेक कर सकते हो, ये फाइनल येलो स्टोन में ऐड हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें एक ग्रीनरी टोन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझको ये येलो स्टोन अच्छा लगा, इसके लिए मैंने येलो वाला टोन दिया। तो गाइस, इसको भी कर देते हैं एक्सपोर्ट और चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोटो पे। ओके गाइस, तो हम हमारे नेक्स्ट फोटो पे आ गए हैं। इसमें हमको ब्लू कलर और ग्रीन का और हल्का हल्का ब्लू भी है उसका मिक्सर देखने को मिल रहा है। तो इसमें अभी हम एक ग्रीनरी को कर देंगे थोड़ा येलोइश, एंड येलो एंड ब्लू का मिक्सर डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो शेडो है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि शेडो पार्ट बहुत थोड़ा हाईलाइट होना अच्छा मांगता है। तो हल्का हम फोटो का एक्सपोजर भी थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन वाइट पार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए वाइट को थोड़ा सा माइनस करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा नॉर्मल लाइट करेक्शन हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे कलर में और इसका हल्का सा टेम्परेचर ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे रखेंगे, वाइब्रेंस को थोड़ा हल्का सा बढ़ाएंगे। इसके बाद में चलेंगे कलर मिक्सर में, एंड इसके बाद आएंगे इस कलर में और सब्जेक्ट का थोड़ा सा हल्का सा कलर ऐड करेंगे, ल्यूमिनेंस को बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा फेस लाइट दिख सके। इसके बाद में जाएंगे ये वाले कलर में और इसका थोड़ा सेचुरेशन करेंगे कम, और इसको डार्कनेस की तो और बढ़ेंगे। इसके बाद ग्रीन कलर में जाके इसका पूरा येलो साइड खींच देना है और सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है ताकि ये वो येलो स्टोन आ सके। ल्यूमिनेंस आप चाहे तो थोड़ा सा डार्क कर सकते हो ताकि फोटो में डार्कनेस ऐड हो सके। इसके बाद में हमको जाना है ये ब्लू वाले कलर की ओर, और इसमें जाके हमको यहाँ पे ये वाले कलर रखना है, यहाँ पे इसका ल्यूमिनेंस थोड़ा सा डार्क करने है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि जो हमको चाहिए था वो कलर यहाँ पे मिल रहा है, एक हमारा ब्लू और एक हमारा ब्लू और येलो का टोन हमको मिल रहा है। तो यहाँ से डन करेंगे, और अभी थोड़ा सा इसमें कलर की कमी लग रही है मुझे, तो कलर ग्रेडियंट में चलेंगे और जो हाईलाइट वाला पार्ट है उसमें जाके हम थोड़ा सा ब्लू और ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे ल्यूमिनेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ब्लेंडिंग मोड थोड़ा सा कम करेंगे और बैलेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि कलर में बैलेंस मिल सके। यहाँ से करेंगे डन, और इसमें थोड़ा सा विग्नेट ऐड करेंगे ताकि फ़ोटो थोड़ी एस्थेटिक लग सके और शार्पनेस बढ़ाना ना भूले। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें और भी दूसरी टोन डाल सकते हो, लेकिन एक ब्लू कलर के साथ में एक येलो टोन काफ़ी नेचुरली लगती है और देखने में भी काफ़ी क्रिएटिव लगती है। इस वीडियो में इतना ही, मैं ऐसा ही एक और पार्ट बनाने की सोच रहा हूँ। अगली बार भी स्टोरी ऐसे ही डालूंगा, और आप अपने फोटो मेरी मेल आईडी पे सेंड करना और मैं आपकी फोटो को एडिट करूंगा। तो ऐसे ही फोटो और वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, SP क्लिक्स। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।